मेरा आपने इंजीनियरिंग करी आप एन एस आई टी से हैं, हाँ। तो जनरली इंजीनियरिंग करते हैं तो उस दौरान भी जो पेयर ग्रुप होता है आपके दोस्त होते हैं कई लोग होते हैं कई होंगे भी जो आई एस की तैयारी कर रहे होंगे उस समय भी तो क्या उस समय नहीं सोचा कि अभी मैं आ, इस तरफ अपना आ, समय दूँ मैं इस जॉब को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ और मेरे हिसाब से इस जॉब में आपको तभी आना चाहिए जब आपको लगता है इमोशनली मेंटली इसको हैंडल कर सको और देश डिज़र्व करता है कि आप अपने बेस्ट पे हो और तब आप इस जॉब में आइए उस समय मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी मेच्योर हूँ कि इसमें जो डिसीजनस लेने होंगे मैं वो ढग से ले पाऊँ अच्छा, ये मैंने डिसाइड कर लिया था और मुझे पता था कि मैं इतनी मच्योर अभी नहीं होंगी कि मैं उतनी बड़ी रिस्पॉसिबिलिटीज़ को उतने बड़े डिसीजनस को ठीक तरह से देख पाऊँ तो इसलिए आर इनफैक्ट एम भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए थी कि कैसे चीज़ों को देखें कैसे चीज़ों को समझें मल्टी डायमेंशनल व्यू कैसे लिया जाए आपको यहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो करोड़ों लाइफों को शायद इफेक्ट कर सकता है तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा देश के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों को नुकसान हो तो फिर कैसे कैसे आपको लगा कब आपको लगा कि हम हाँ, prepared, मैं prepared हूं या जब आग? मैंने अपने जॉब में व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब आई रियलाइज कि नहीं आई कैन टेक डिसीजंस आई कैन थिंक बियॉन्ड व्हाट इज़ विजिबली देयर आई कैन रीड अंडर द मैं यू नो आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस मैं प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकती सिचुएशंस को व्हेन आई वाज गिविंग रिजल्ट्स बेटर देन पीपल विद 15 20 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आई डिसाइडेड कि अब ठीक है प्लस मैं उतनी मेहनत भी कर रही थी मैं जॉब में पंद्रह बीस घंटे मेहनत कर रही थी मेरे को लगता है मेरा देश उतना डिजर्व करता है और उस पॉइंट पर मुझे लगा कि ठीक है अब मैं इसे कर सकती हूँ तो जब जब ये लगा तो शुरुआत कहाँ से करी तो मेरे आसपास कोई भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कभी नहीं रहा है ना मेरे किसी फ्रेंड ने दिया है ना मेरी फैमिली में कोई सर्विसेज में है दूर दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं है नहीं, तो मेरे लिए सब नया था एंड जब मैंने दिया था तब इंटरनेट पे भी कुछ नहीं होता था अच्छा। तो आ, हाँ उस समय इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी तो क्या उस समय भी इतना नहीं था इंटरनेट अच्छा। पे कुछ नहीं था ओ। मैंने 2010 में अटेम्प्ट दिया था तो मैंने नाइन के एंड में सोचा था जी जी जी, जी तो कुछ नहीं था इंटरनेट पे ना कुछ एडवाइस होती थी ठीक थी, से तब मैंने आ, एक आ, कोचिंग ज्वाइन करी थी जो कि मेरे को किसी से मम्मी ने पूछा था कि क्या किया जाए तो मेरे घर के पास सबसे जो मुझे मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के मूड में नहीं थी तो मेरे घर के आसपास जो भी मुझे मिला मैंने अपने ऑप्शनल के लिए तो करी ही थी वहाँ से आपने तो शुरुआत की हाँ। तो सर मैं तसहिरा ने बताया कि उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता था सही गाइडेंस भी नहीं थी लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत सारा जो मटेरियल है वो इंटरनेट पर ही कहीं ना कहीं उपलब्ध है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो तो कितना बदलाव आ गया अब इस सीनारी में देखिए आजकल जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लेकिन इसमें एक बहुत सावधानी की ज़रूरत क्या है पहले थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था कि लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था मटेरियल कहाँ से लाएँ अब बहुत सारी चीज़ें इज़िली अवेलेबल हो जाती हैं बट इसमें एक रिस्क ये है कि इतना ज़्यादा मटेरियल है कि कई बार स्टूडेंट्स उसी में फ्लडेड हो जाते हैं और वो वो रिसर्च में लगे जाते लगे रहते हैं कि इसमें क्या करना है तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट को अपनी सिलेबस को आसपास रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन को कितना सिंपलीफाई कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए और बहुत एम्बिश होने की आवश्यकता हो नहीं है ले तो आज वो बहुत बड़ा एडवांटेज है यदि इन्फॉर्मेशन को सही मामले में इस्तेमाल कोई कैंडिडेट कर करना चाहे तो आ, उसके पास अवेलेबल है तो आ, इसमें एक गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंट है आपने जब Uh, शुरुआत की और आपकी मदर ने आपको बताया कि यहाँ चले जाएँ तो गाइडेंस एक सही uh, गुरु का मिलना कितना इम्पोर्टेंट है in terms of कि देखिए गुरु का मिलना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी हो जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बट मुझे लगता है अब नहीं मिलते क्या करें जी तो कहीं से तो आपको ढूंढना पड़ेगा तो शायद कई बार लाइफ में आपको अपना गुरु बनने की भी कोशिश अच्छा। करनी पड़ती है और सीखना पड़ता है कैसे बनो गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है क्योंकि जब आपको बिल्कुल ही नहीं नहीं पता आज मुझे ये तो पता है कि एन से पढ़ना है उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था अच्छा मुझे कुछ नहीं पता था तो, तो इसलिए मुझे कहीं से एक छोर पकड़ने के लिए ही हेल्प चाहिए थी बिल्कुल बिल्कुल तो सर ये जो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इरा जैसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बहुत वेल नोन हैं इन टर्म्स ऑफ पूरा उनके पास एक्सेस है चीजें पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं जब उनको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या एन से पढ़ना शुरुआत की जाए तो क्या यू ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए हैं कि जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए कि उनको पता हो कि आप ये ये स्टेप्स हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं या सिलेबस के अलावा कि आप ऐसी कोई गाइडलाइंस क्लियर नहीं है देखिए यू का जो मेन गाइडलाइंस है वो जो इंस्ट्रक्शन हैं जो सिलेबस उसके दिया हुआ है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए आपके आंसर रिलेवेंट होने चाहिए। आपकी होते वो गाइडलाइंस है ले और एक सिलेबस दे रखा है अब इतनी कैपेसिटी तो स्टूडेंट के अंदर इस एज में आ ही जाती है कि उनको कहाँ से ढूंढना है उसको देख सकते मेरा मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा क्योंकि अब आप एक ऑफिसर हैं तो अक्सर आपसे भी यही सवाल पूछा जाता होगा कि कैसे सही मार्गदर्शन लें और कैसे क्योंकि हुज़ हु नहीं कुछ नहीं पता है तो ये जो कौन जो लोग बोलते हैं वो ये लोग कौन है कैसे नहीं तो मेरे को जो लोग बोलते हैं बताते हैं तो मैं उसका तो काउंटर दे देती हूँ उसके अलावा जब मुझे बताएंगे नहीं कि लोगों ने उनको क्या क्या बताया है तो मैं वो तो नहीं सॉल्व कर सकती पर मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आप जो लोग कर चुके हैं उनसे एक बार पूछिए तो सही उनसे गाइडेंस लीजिए उनसे समझिए कि क्या वो सच्चाइयाँ हैं जो क्या उनको भी वही चीज़ें लगी जो लोगों ने उन्हें बताया